पैंतीसवीं दास्तान बादशाह जीन का रूह की शहजादी पर आशिक होना और उससे अपने निकाह में लाकर शादी करना। जब सूरज छुपा और चांद निकला तब खजिस्ता आंखें सुर्ख रंग जर्द होंठ नीले परेशान चाके गिरेबान आह सर्द कपड़े मैले सुगवारों की सूरत बनाए हुए तोते के पास रुख्सत लेने गई और कहने लगी, ऐ तोते, मैंने अक्सर बुजुर्गों की ज़ुबानी सुना है कि एक शख्स ने किसी दाना से जाकर पूछा कि इश्क क्या चीज़ है। तब उसने कहा कि इश्क को मुल्कुल मौत कहते हैं और जानने वाले उसको आफत नागहानी समझते हैं। इश्क जिसके तई सताता है वो बेचारा जहाँ से जाता है, और मेरा भी अहवाल उस कमबख्त ने यहाँ तक पहुँचाया है कि जी जानता है। अब ये दिल में आता है कि उसको मौकूफ़ करूँ और सब्र करके बैठ रहूँ। मिस्र मशहूर है कि भट पड़े वो सोना कि जिससे टूटे कान। तोता कहने लगा कि ऐ खजिस्ता, कहने से और करने से बड़ा फ़र्क है, ये क्या कहती है? आशिक को सब्र से क्या नस्बत और बीमार को आहुजारी से कब फुर्सत। जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी जग में भारी लगे। अगर आशिक को माशूक रहता तो कोई किसी पर ना मरता और वो भी बादशाह आज़ादी अपना ब्याह न करती। किस वास्ते कि वो एक मुद्दत तक मर्द के नाम से बेजार थी, आखिर बेशोहर ना रह सकी। खजिस्ता ने पूछा, उसकी दास्तान क्यों कर है, बयान कर।